हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्पोर्ट्स राउंड होता क्या है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है और कैसे कैसे क्या सब रहता है उसका प्रोसेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पर डालते रहता हूँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेंगी। तो चलिए देखते हैं, मतलब स्पोर्ट राउंड मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि आपको तीन कैप राउंड हुए जैसे MST CET के, वो तीनों कैप राउंड में आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप कैप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कॉलेज भी अलॉट हुआ तो आप तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा उसका कुछ रूल नहीं है। अगर स्पोर्ट राउंड में मतलब होता क्या है ना कि यहाँ पे जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, ये जो आप यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ये क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड और अन एडेड इंस्टीट्यूट फॉर वैकेंट सीट इफ़ एनी एट इंस्टीट्यूट द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट विल कम्प्लीट द एडमिशन एक्टिविटी इन द फॉलोइंग मैनर। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट एडेड है और ये अन एडेड इंस्टीट्यूट है, वो अपनी अगर उनके कॉलेज में कोई सीट वैकेंट होंगी तो वो इस तरीके से अपनी वैकेंट सीट को कंप्लीट कर सकता है। तो जैसे कि जो वैकेंट सीट्स है वो कैसे डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड गिविंग अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि उनके कॉलेज में इतनी इतनी सीट्स खाली है, या फिर वो अपने कॉलेज के वेबसाइट पे अपडेट कर देते हैं कि हमारे कॉलेज में इतनी वैकेंट सीट्स खाली है, आप आके हमारे कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं। इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट्स, प्रिपेयर एंड डिस्प्ले मेरिट लिस्ट ऑन द कॉलेज वेबसाइट एंड इंस्टीट्यूट नोटिस बोर्ड, कैरी आउट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बाय फॉलोइंग गवर्नमेंट एडमिशन रूल्स। ये सब गवर्नमेंट एडमिशन रूल्स के हिसाब से ही होगा। तो ये कैसे करते हैं कि ये न्यूज़पेपर में ऐड वगैरह देते हैं या फिर कॉलेज के वेबसाइट पर सब कुछ अपडेट दे देते हैं। तो जैसे कि आपको कोई कॉलेज में एडमिशन करना होगा स्पोर्ट राउंड के दौरान, तो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, आपको वहाँ पे चेक करना है कि ये कॉलेज की वेबसाइट पे वो कुछ आया है क्या वैकेंसी का। तो जैसे कि अभी आपका कैप राउंड थर्ड का एडमिशन प्रोसेस चालू होगा, ये जो स्पोर्ट राउंड बोलते हैं वो होने कब से वाला है चालू, तो ये आपका 13 नवंबर से चालू होने वाला है। तो ये 20 नवंबर तक चलने वाला है, स्पोर्ट्स राउंड वगैरह सब कुछ है ये, इसके बीच में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब आपको ये पता चलेगा स्पोर्ट राउंड का, जो वैकेंट सीट्स है, जो कॉलेज की वेबसाइट रहती है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना होगा स्पोर्ट राउंड के दौरान, तो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वो वहाँ पे वैकेंसी रिलीज़ करेंगे और आपको सब डॉक्यूमेंट सबके साथ में लेके जाने पड़ेंगे और फीस भी सब पे करनी पड़ती है। और वहाँ पे आपको कैसा रहता है कि आप जल्दी जाएंगे तो आपका जल्दी एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं, स्पोर्ट राउंड का ऐसा ही रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्पोर्ट राउंड का मतलब ये वीडियो में समझ आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए।